तो आज हम भूल भुलैया 3 मूवी का पोस्टर एडिटिंग करेंगे। और इस पोस्टर को बनाने के लिए मैंने जितने भी बैकग्राउंड और PNG का यूज़ किया हूँ उस सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा हूँ, तो वहाँ से जाकर आसानी से डाउनलोड कर लेना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास पे जो बेल वाला आइकन है उसको ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का एडिटिंग का वीडियो लेकर आता हूँ। और आपको सबसे पहले इस कुछ इस टाइप का पोज दे के फोटो को क्लिक कर लेना होगा, ठीक है ना। तो बिना टाइम किए चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन के तरफ। सबसे पहले हम लोग पिक्सट को ओपन करके ऐड फोटो पे हम जाएंगे और विद्या बालन के इस वाले इमेज को ऐड कर लेंगे, क्योंकि भूल भुलैया 3 में मतलब इन्हीं को भूत दिखाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मतलब इफेक्ट पे जाएंगे और ब्लैक एंड वाइट पे जाके इस मतलब पहले टेम्पल को ही सिलेक्ट करेंगे और बॉडी के मतलब हाफ पार्ट को ही ब्लैक एंड वाइट करेंगे और हाफ को मतलब कलर ऐड करेंगे। तो ब्लैक एंड वाइट कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, तो ब्लैक एंड वाइट मतलब जो लाइन है उस लाइन को मतलब हल्का सा इरेज कर देंगे इरेजर से, मतलब ताकि कि स्मूथ लगे जो हमारा कलर है। तो यहाँ से डन कर लेते हैं। अभी हम लोग एक आँख पे मतलब ब्लड ऐड करेंगे जिस साइड पे मतलब ब्लैक एंड वाइट कलर है वहाँ पे। तो इस वाले PNG को हम लोग अच्छे से सेट कर लेते हैं आँख पे। तो हमारे आँख पे कुछ ज़्यादा ही आ रहा है तो हम लोग इरेज कर लेंगे, क्योंकि आँख भी थोड़ा सा दिखना चाहिए, तो हल्का सा इरेज कर लेते हैं। तो अभी ठीक है, तो यहाँ से डन कर लेते हैं थोड़ा साइज को बड़ा करके। तो अभी ठीक है, तो यहाँ से डन कर लेते हैं। तो हमारा जो विद्या बालन का जो कैरेक्टर है वो फुल लुक हो चुका है, तो यहाँ से फ़ोटो को सेव कर लेते हैं। तो फिर से हम पिक्सट को ओपन कर लेंगे और इस बार हम लोग खुद के इमेज को ऐड कर लेंगे। और आप भी अगर इसी तरह का पोस्टर ऐड करना चाहते हो मतलब इस पोस्टर को, तो कुछ स्टेप से पोज देकर फोटो को क्लिक कर लेना। और इस वाले PNG को हम लोग अच्छे से सेट कर लेते हैं, क्योंकि उसका जो सिर का जो कपड़ा है उसी को हम लोग ऐड करेंगे। तो अच्छी तरीके से हमारे मतलब सिर के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं और जो बाकी का एरिया है उसको इरेज कर लेंगे हम लोग इरेजर से। तो अभी ठीक है, तो हमारा जो मतलब इमेज का सिर है वो दिख रहा है तो उसको इरेज कर लेते हैं। तो अभी ठीक है, तो यहाँ से डन कर लेते हैं और फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे और इस वाले रुद्राक्ष के माला को ऐड करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल जो पोस्टर है मतलब भूल भुलैया का जो लुक है मतलब उस पर मतलब कार्तिक आर्यन पहना होगा, तो हम भी उसी तरीके से दिखाएंगे अपने इमेज को। फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे हम लोग और उस वाले इमेज को फिर से ऐड करेंगे, क्योंकि इस बार हम लोग जो हाथ है उस हाथ को मतलब अपने हाथ के ऊपर अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। और एडजस्ट होने के बाद बाकी एरिया इरेज कर लेते हैं। तो अभी ठीक लग रहा है, तो यहाँ से डन कर लेते हैं और हमारा जो फोटो है वो कंप्लीट हो चुका, तो यहाँ से भी फोटो को सेव कर लेते हैं। फिर से पिक्सार्ट को ओपन करके इस बार बैकग्राउंड को ऐड करेंगे और ऐड फोटो पे जाएंगे और इस बार हम लोग जो विद्या बालन का कैरेक्टर है और हमारा कैरेक्टर है उसको ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से हम एडजस्ट कर लेते हैं तीनों कैरेक्टर को। तो अभी ठीक है, तो यहाँ से डन कर लेते हैं और ऐड फोटो पे जाएंगे, जो टाइटल है उसको ऐड कर लेंगे भूल भुलैया 3 का और इसका टेम्पलेट जो है उसको ऐड पे कर देंगे। अभी थोड़ा सा कलर देंगे, क्योंकि जो हमारा मतलब टाइटल का जो नेम है जो लिखा हुआ है वो दिखना चाहिए अच्छी तरीके से, तो इसीलिए कलर देंगे, आप अपने हिसाब से दे देना। तो अभी ठीक है, तो यहाँ से डन कर लेते हैं। तो हमारा जो पिक्सार्ट का काम है वो ख़त्म हो चुका है, अभी हम लोग लाइट रूम पे ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम पे जाएंगे और सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट को सिलेक्ट होने के बाद सब्जेक्ट को थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। तो अभी ठीक है, तो यहाँ से डन कर लेते हैं। तो हमारा जो एक कैरेक्टर है वो थोड़ा सा डार्क लग रहा है, तो इसको मतलब सिलेक्ट करके पेंट करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा मतलब लाइट ऐड करेंगे ब्लू इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का है। तो एक बार से नहीं हुआ तो फिर से हम लोग मतलब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर से सेम वही स्टेप यूज़ करेंगे लाइट देने के लिए। तो फटाफट से कर लेते हैं।
अभी ठीक है। तो हम लोग बैकग्राउंड को अब कलर ऐड करेंगे, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ और आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना अपने खुद के फ़ोटो के हिसाब से कलर ऐड करना। तो चलिए चलते हैं। तो सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा जो फाइनल पोस्टर है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। तो पोस्टर आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास पर जो बेल वाला आइकन है उसको ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का एडिटिंग का वीडियो लेकर आता हूँ। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।